सो सारी हमारी यात्रा जो भी हम कर रहे हैं, नाच के, गा के, ध्यान करके, बुद्ध की कोई प्रक्रिया करके, रिलेशनशिप की थेरेपी करके, ये सारी प्रक्रियाएं वो हैं कि किसी तरह हम वननेस को एक्सपीरियंस कर पाएं। और वननेस को एक्सपीरियंस करने का जो द्वार है वो सिर्फ हृदय का द्वार है। आप मन से यानी माइंड से वननेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इसलिए मन का जो काम है, माइंड का जो काम है, वो लॉजिक का काम है, विचार का काम है, जो एक को काट के देखता है हर अनेक में। डू यू फॉलो? आइए, सो माइंड का काम ही यही है कि वो किंतु परंतु में चीज़ों को काटता है, टुकड़े टुकड़े करता है, खंडित खंडित करता है, और फिर उन खंडों में हम उलझ जाते हैं। सिंपल सी लाइफ थी। हाँ, एक मैंने कहीं शेयर पढ़ा कि जिंदगी के रास्ते तो बड़े सीधे हैं, मोड़ तो सारे दिल के हैं, मन के हैं मतलब। हाँ, जिंदगी के रास्ते तो बड़े सीधे हैं, उलझने और मोड़ तो सारे मन के हैं। तो जब बोला जिंदगी का रास्ता सीधा है, मतलब हृदय का रास्ता तो बड़ा सीधा है, क्योंकि हृदय आपको वननेस एक्सपीरियंस तो कराता है, किसी नदी के साथ, किसी पेड़ के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी कला के साथ, वननेस का आभास तो देता है छोटे से क्षण में हृदय। हेंस सो मच ऑफ फोकस ऑन द हार्ट। आर वी टुगेदर? इज इट मेकिंग सेंस? तो क्या ये काम बहुत मुश्किल है? क्या इस वननेस को एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है? क्या हृदय के हिसाब से जीवन को चलाना बहुत मुश्किल है? तो चलता क्यों नहीं फिर? अगर मुश्किल नहीं तो चलता क्यों नहीं? भाई अगर मुश्किल नहीं तो बड़ा सहज होना चाहिए, बट सहज क्यों नहीं है? वाई? मैंने बोला था मैं हर बात पे प्रश्न उठाऊंगा। वाई? क्यों क्यों नहीं चलता फिर ऐसे? वो उस टाइम छोटे से सुख के लिए। शाबाश। उस छोटे के सुख को अंग्रेजी में बोलते हैं प्लेजर। yes. तो हम छोटे से सुख के चक्कर में बड़ा आनंद छोड़ देते हैं, फिर अपने आप को बड़ा इंटेलिजेंट समझते हैं। कोई ऐसा होगा इस रूम में जो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं समझता? कोई ऐसा होगा इस कमरे में जो बोले मैं बुद्धू हूँ? कोई नहीं। बल्कि बाहर तुम्हें कोई बोल दे गधा तो तुम लड़ने पड़ोगे उसे, क्योंकि गधा प्रतीक है बुद्धू होने का, तो ये तो गाली जैसा लगता है। और इंटेलिजेंस का मतलब क्या है हमारी परिभाषा में? कि छोटे सुख के लिए बड़ा आनंद छोड़ दो। और क्या रीजन हो सकता है इसका? मटेरियलिस्टिक लाइफ में सर्वाइवल फॉर फिटेस्ट, जो सुप्रीम बनने की जो इच्छाएं रहती है, महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा, इसलिए भी लोग जो है दिल का रास्ता छोड़ के भागने में लगे हुए हैं, इज आई थिंक। महत्वाकांक्षा है तो महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? प्रश्न पे प्रश्न बनता है। महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। शुरू और अंत का कोई सवाल नहीं है, होनी चाहिए। हम तो जीवन को एक मान के चल रहे हैं, इसमें शुरू और अंत का कोई चक्कर नहीं है। जो लॉ शुरू के लिए सही है वो लॉ अंत के लिए भी सही होना चाहिए, तभी आनंद में आ पाओगे। लॉ तो एक ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि शुरू के 15 साल लॉ अलग है जीवन का और बाद के 25 साल लॉ अलग है जीवन का, ऐसे नहीं चलेगा, क्योंकि फिर तुम खंडित कर रहे हो। देखो तुम फिर खंड में बांट रहे हो, फिर फंसे। इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुम, थोड़ी समझदारी साइड पे रखो, तुम फंसोगे नहीं। तो दोस्त समझदारी बहुत फंसाती है, बहुत फंसाती है, अनुभव किया मैंने ऐसा। क्या कह रहा था मैं? महत्वाकांक्षाएं होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सत्य की प्यास के लिए होनी चाहिए। शाबाश। बाकी जो है सब यूजलेस। शाबाश। जो महत्वाकांक्षा तुम्हें औरों से काट दें और स्वयं से काट दें, दो कौड़ी की फंसा देंगी वो जिंदगी में। फिर से बोलता हूँ, जो महत्वाकांक्षा तुम्हें दूसरों से काट दे और स्वयं से काट दे, दो कौड़ी की नरक बना देगी जिंदगी, आज नहीं तो कल, वक्त अवक्त की बात है। मगर जो महत्वाकांक्षा तुम्हें स्वयं से जोड़ दे और दूसरे से भी जोड़ दे, वो महत्वाकांक्षा करने योग्य है। तो इशू महत्वाकांक्षा में नहीं है। ये हम गलत समझ जाते हैं बहुत बार संन्यास की जर्नी पे, कि एम्बिशन गलत है, महत्वाकांक्षाएं गलत है। डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं आज थोड़ी सी।
महत्वाकांक्षा में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी महत्वाकांक्षा किस तरफ लगी है उसमें इशू है। तो एक एग्जांपल लें पिंकी माँ का भी एग्जांपल। मानते हैं अभी हम एक एग्जांपल के तौर पे कि इनकी महत्वाकांक्षा है ध्यान को बांटने की, इनकी महत्वाकांक्षा है कि ध्यान सब मित्रों तक जाए, हम सब उस ध्यान के की सुगंध का, उसके फूल का आनंद ले सकें। कैटेगरी क्या है? महत्वाकांक्षा। बट ये क्या कर रही है महत्वाकांक्षा? ये इनको इनसे भी जोड़ रही है और इनको सबसे भी जोड़ रही है, वननेस की तरफ लेके जा रही है वो महत्वाकांक्षा। बहुत सुंदर महत्वाकांक्षा है, होनी चाहिए इंशाल्लाह, सब में होनी चाहिए ये महत्वाकांक्षा।